गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। और गुरदीप सिंह सपल साहब, यही बात जनरल कुलकर्णी ने कही थी कि अब हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि हिकमतयार से बात अगर पाकिस्तान कर रहा है तो ये सिर्फ हमारे खिलाफ होगी और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है सपल साहब कि हमने अफगानिस्तान में जो काम किया, इस समय भी $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर चल रहे हैं, हमारी सरकार लगातार वहां पर विकास कार्य करती रही है, जब आपकी कांग्रेस सरकार रही बहुत अच्छे संबंध रहे अफगानिस्तान से हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक कर गए कि अफगानिस्तान पर वो पकड़ अपने नहीं बना पाए कि अगर ऐसा कुछ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर होती है तो हमारा दखल ज्यादा हो। सईद साहब, हैरानी इस बात पे होती है कि सब इतने हैरान क्यों हैं। अशोक सज्जनहार जी बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, कुलकर्णी साहब लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, सब जानते हैं कि ये मालूम था कि एक बार अगर तालिबान आएगा तो ISI का पाकिस्तान का क्या रोल होगा, ये लगभग लगभग एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर चल रहा है। सवाल ये है कि जब 2013 में पहली बार ओबामा ने बोला कि शायद वापसी करनी पड़े अमेरिका को अफगानिस्तान से, और 2014 से मोदी सरकार है, तब से इस बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये राय देते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर क्या करना चाहिए। खासतौर पर पिछले 2 साल के अंदर बहुत इस बारे में चर्चा होती रही कि हमारी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में क्या होनी चाहिए, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, एक कंफ्यूजन की स्थिति रही है सरकार के अंदर। और आज जो पॉलिसी आई है, आज जो आधिकारिक पॉलिसी है, वेट एंड वॉच। हम मानते हैं कि डिप्लोमेसी जो होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वो शतरंज की बिसात की तरह है, वह हाँ और ना की बात नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं होती है। लेकिन भारत तो इस डिप्लोमेसी का एक माहिर खिलाड़ी रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि वो माहिर खिलाड़ी खुद मोहरा बनके उस विषाद के ऊपर बैठ गया है। नहीं नहीं, सपल साहब, क्या नहीं, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं, क्या सपल साहब, देखिए आपने सारा इल्जाम बीजेपी पर लगा दिया, हमारी सरकार पर लगा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो बरसों तक हम अगर अफगानिस्तान में, मान लीजिए 2001 से भी अगर हम विकास कार्य कर रहे हैं 20 साल में हम वहां पर सड़कें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अफगानी नागरिकों को अपने देश में रख रहे हैं, यहां तक कि उनकी संसद बना रहे हैं, हमारे 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो क्या हमें सपल साहब ये अलर्ट नहीं रहना चाहिए था कि कल को अगर वहां पर कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारा स्टेक कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा है, और हम कैसे उसे निपटेंगे? जी, मैं यही कह रहा था, आप एक बात समझिए, आपने केवल एक पक्ष बोला है भारत के इन्वॉल्वमेंट का। भारत के वहां के नॉर्दर्न अलायंस के साथ, जो पंचीर वैली में अलायंस है अभी नए नाम से, उसके साथ भी संबंध रहे हैं, भारत समर्थक रहा है। हमारी खाली एक तरफ खाली ये नहीं कि हमने विकास किया है, हमारे सामरिक स्ट्रेटेजिक संबंध भी वहां रहे हैं। तो आज हम इस हालत में क्यों, आज मैं नहीं कह रहा हूं, आज से 3 दिन पहले राम माधव जी, जो कि बीजेपी के खुद फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक हैं, उन्होंने एक अखबार में लिखा है कि भारत की नीति मुखर नहीं रही अफगानिस्तान के अंदर। और आज हालत ये है कि जो देश उसकी नीति तय कर रहे हैं, ईरान है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, वो हम उससे बाहर हैं, हम केवल बैठ के देख रहे हैं। मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि आफ्टरऑल हमारी विदेश नीति में पिछले 2 साल के अंदर इस पर चर्चा क्यों हुई, हम तो नहीं कह रहे हैं, खुद उनका थिंक टैंक है, खुद उनके राम माधव उन्हीं के हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अवर पॉलिसी ये बात हम भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में हमारी स्थिति की हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि बाकी देश क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। जबकि हम तो कहते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन गए 2 साल पहले, टेम्परेरी मेंबर, हमारे पास अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है, यही बात नहीं, ये आप देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की हमने, भारत ने अध्यक्षता भी की और वहां पर साफ कहा ना कि टेररिज्म, लेकिन एक मैसेज तो कड़क हमने दिया ना सर, ऐसे कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का बड़ा स्ट्रांग स्टैंड था अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ। खैर, आते हैं आपके पास।